सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के राजघाट पे, जहाँ कांग्रेस का सत्याग्रह प्रदर्शन चल रहा है। और सत्याग्रह प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, वायनाड से सांसद राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद है। और इसी कड़ी में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव जी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि सत्याग्रह जो किया जा रहा है कैब को लेकर, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, आज हम लोग, हमारा सारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे जो भी कांग्रेस के सिपाही हैं, आज हम लोग महात्मा गांधी जी की जो पुण्य जमीन है, पुण्य धरती, हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यहाँ से ही सत्याग्रह की स्टार्ट हुआ था। और हम लोग यहाँ दोबारा आए क्योंकि देश का रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करनी है। कहीं ना कहीं आज संविधान से आज छेड़खानी की जा रही है। आप देख ही रहे हैं कि CAA और NRC का एक मॉडल सिर्फ जो हमारे जो सामने आज जो नज़र आ रहा है, सिर्फ असम नज़र आता है। और असम के अंदर 19 लाख लोगों को इन्होंने NRC के अंतर्गत हटाया, जिसमें से लगभग 15 लाख हिंदू दे इन्होंने देखा कि अरे क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने उसको दोबारा इसमें चेंजिंग करके लाए, लेकिन उसके बावजूद भी 12 लाख हिंदू, 2 लाख मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के हमारे लोग थे सारे उसमें थे। और वो ये कह रहे कि 1971 का आप प्रूफ दिखाएं। कभी अमित शाह कहते हैं कि जी भैया NRC को हम लागू करके छोड़ेंगे। परसों रामलीला कल की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश के साथ ऐसे झूठ, इतने बड़े मंच से इतने बड़े प्रधानमंत्री का पद लगातार बोल रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का योगदान इस देश के अंदर, इस देश को आज़ाद कराने में रहा। आप किसी तरह से को बांट नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग आए, आज हमने सबने प्रण लिया यहाँ पर कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए, चाहे हमें अपने बलिदान देना पड़े देश के लिए, हम लोग देने को तैयार हैं। सबसे पहले जो विरोध प्रदर्शन इतना चला, जब कैब बिल पास हो उसके बाद से इस विरोध प्रदर्शन ने इतना हिंसक मोड ले लिया, इतना हिंसक जो है विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ? देखिए, हम इसकी हिंसा निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम लोग लोकतंत्र के अंदर जो है हमारा, हम किसी भी प्रकार की, हमें जो अगर गलत लगता है उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन हिंसा का हम लोग विरोध करते हैं। दोष कहीं ना कहीं कोई, जैसे मतलब बाहर से कोई लोग आ जाते हैं जो इस आंदोलन को ख़राब करना चाहते हैं, हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, एक उसको दूसरे रूप में देना चाहते हैं, वो लोग हैं। बाकी हम लोग सभी साथी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूं कि आप मतलब हमें शांतिपूर्ण धरना और अपना जो भी हम है। और अब ये विरोध प्रदर्शन कहाँ तक जाने वाला है? सर, ये तो अब बढ़ता ही जाएगा जब तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी या माननीय हमारे जो गृह मंत्री है, इस बात को नहीं नकारते हैं कि भैया NRC देश में लागू नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव, जिन्होंने बताया कि जब तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब तक कैब बिल वापस नहीं लेंगे, इसी तरह से ये विरोध प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैब बिल को पास लिया जाता है या फिर नहीं। कैमरामैन संजय के साथ गौतम अशी, सत्य खबर दिल्ली। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।